OnePlus 7T मोबाइल आया है, डीसी रीडिंग देखने से पता चलता है इसके अंदर सीपीयू का इश्यू है। सबसे पहले तो इसकी सील निकालेंगे। सील निकालते टाइम ध्यान रखना है किसी भी तरह का ट्रैक नहीं टूटना चाहिए। ब्लैक बोर्ड में ज़्यादातर सील निकालते टाइम ट्रैक निकल जाते हैं। साइड में एयर लगा के इसका सील निकाल देना है। उसके बाद आईसी को कंपोनेंट से अलग करना है। आईसी कंपोनेंट से अलग होने के बाद इसका रैम निकालना है। रैम निकालते टाइम प्रॉपर हीट लगनी चाहिए जिससे रैम आराम से निकल जाए और कोई ट्रैक मिस ना हो। उसके बाद आपको सीपीयू निकालना है। ड्यूल डेकर ब्लैक पेस्टेड हार्ड पेस्टेड सीपीयू है। आराम से सेपर को सीधा रख के आपको सीपीयू निकाल देना है। सीपीयू निकालने के बाद इसको साफ करके रिबोल कर देना है। प्रॉपर सभी बोल को देख लेना है। कोई भी बोल बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए जिससे सीपीयू आपका प्रॉपर लग जाए। सीपीयू लगाने के बाद आपको डीसी का रीडिंग चेक करना है। डीसी रीडिंग अगर प्रॉपर आ गया तो ही आपको रैम लगाना है। देखिए इसका डीसी का रीडिंग प्रॉपर आ चुका है। अब हम इसके ऊपर का हिस्सा साफ करेंगे और उसके बाद इसको रैम लगा देंगे। वन प्लस के आजकल जो भी सेट रनिंग में है उसमें ज़्यादातर सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ड्यूल डेकर हो ब्लैक पेस्टेड हो, जब सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाता है तो मोबाइल आगे नहीं बढ़ता, डीसी रीडिंग से पता चलता है। और ये मोबाइल हमारा चालू हो चुका है। इसी तरीके से कंप्लीट हैंड स्किल सीखने के लिए हमारे क्लास को ज्वाइन करें।